हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मॉड्यूलर वुडवर्किंग एंड फैब्रिकेशन। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पीयू पॉलिश कैसे होता है और उसका करने का प्रोसेस क्या है। जैसे कि ये हमारे पास एक टिक वुड डोर है और इसमें हमने नॉर्मल प्लाई लगाई हुई है बीच में, और ये हमारे पास दो दरवाजे हैं, दूसरे रूम में भी एक डोर है, वो भी सेम इसी टाइप का है। दोस्तों, ये दरवाज़ा नॉर्थ इंडियन टिक वुड से बनाया है, जो अपने उत्तराखंड की सागवान होती है निगम की। ये लकड़ी बहुत अच्छी होती है और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, मजबूत भी बहुत होती है। आपको टिक वुड के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर एक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। इसके प्राइस के बारे में और ये कहाँ मिलेगी, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको ज़रूर देंगे। एक ये है और ये 6 विंडो के पल्ले हैं, खिड़कियाँ। ये भी टिक वुड की हैं, इसमें ब्लैक कलर का ग्लास हमने लगाया हुआ है। ये ब्लैक ग्लास लगा है इसमें, एक ये है और सेम ऐसे ही एक विंडो दूसरे रूम में है। दरवाजों में पॉलिश करने के लिए दोस्तों हम दरवाजों को रिमूव करेंगे और इनमें जो भी फिटिंग लगी है, हैंडल, कुंडे, कब्जे वगैरह, उन सबको रिमूव करेंगे। उसके बाद इसमें पॉलिश का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो ये ग्लास वाले पल्ले हैं खिड़की के, इसमें अभी इसको कवर करना पड़ेगा और वगैरह लगाएंगे इसमें टेप से, मास्किंग टेप से, क्योंकि ऐसा ना कलर गिरेगा इसमें तो ये ग्लास गंदा हो जाएगा, सफाई करने में फिर स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं ग्लास में, तो इसलिए इसको पहले ही कवर कर देंगे। पहले हम इसमें घिसाई करेंगे ग्राइंडर से 120 नंबर के रेगमाल से, लेकिन उससे पहले ये जो होल इसमें दिख रहे हैं लकड़ी में, बड़े बड़े जो छेद हैं, तो ग्राइंडिंग करने से पहले हम इन छेदों को भर लेंगे वुड फिलर से, उसके बाद इसमें ग्राइंडिंग करेंगे। ये सभी जो मोटे मोटे छेद दिख रहे हैं ना, ये एक बार में वुड फिलर से कवर नहीं होते, इसमें दो तीन बार जब तक पोटीन नहीं होती तब तक ये कवर नहीं हो पाते। जैसे ये लकड़ी खाली है, कारपेंटर ने छोड़ी हुई है, तो इसको जो है पहले फिल करना पड़ेगा वुड फिलर से, और उसके बाद ही हम इसमें ग्राइंडिंग करेंगे। इसमें जितने भी बड़े बड़े छेद थे दरवाज़ों में या खिड़कियों में, वो सारे हमने वुड फिलर से भर दिए हैं। जहाँ भी मोटे छेद थे, बड़े छेद थे, वो सब भर दिए हैं। ये जैसे जैसे आप देख रहे हैं सामने, ये पूरा हमने वुड फिलर से भर दिया है। और अभी इसमें ये देखिए आप, ये पूरा भर दिया हमने इसको, क्योंकि ये जब ग्राइंडिंग हम इसमें करेंगे ना, घिसाई करेंगे ग्राइंडर से, तो ये तो पूरा प्लेन हो जाएगा और जो बाकी जगह बचेगी वो नेक्स्ट बार जब हम इसमें फिलिंग करेंगे तो वो फिल हो जाएगी। और ये हमारे पास जो है वुड फिलर है, टिक वुड फिलर, और ये सिरका का है, सिरका कंपनी का वुड फिलर है। ये आप देख लीजिए, मार्केट बाय सिरका पेंट इंडिया लिमिटेड।
जहाँ पर बड़े खड्डे थे, फिलिंग होनी थी, वो वुड फिलर से हमने भर दिए हैं। अभी गीला है और इसकी इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे रात भर। शाम भी हो चुकी है और कल फिर इसकी कटाई करेंगे, घिसाई करेंगे ग्राइंडर से। वुड फिलर हमारा पूरी तरह से सूख चुका है, जो भी बड़े बड़े मोटे मोटे खड्डे थे हमने भर दिए थे कल वुड फिलर से, और ये पूरी तरह से रेडी है घिसाई करने के लिए, क्योंकि मोटे मोटे जितने भी छेद थे वो हमने भर दिए थे। तो इसलिए अभी हम इसमें एक बार 60 नंबर के रेगमाल से घिसाई करेंगे, उसके बाद फिर 120 नंबर का रेगमाल इसके ऊपर घुमाएंगे और उसके बाद फिर इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे, जो भी पॉलिश का काम है आगे का। ये देख लीजिए आप, ठीक से ये भर चुका है। जब भी आप पॉलिश करें तो पहले मोटे मोटे खड्डे वुड फिलर से भर लीजिए एक बार। ये देखिए 120 नंबर का रेगमाल है ये, 60 नंबर का मैं एक बार पहले लगा चुका हूँ इसमें। अभी मैं 120 नंबर का रेगमाल ग्राइंडर में लगाऊंगा और इसकी घिसाई करूँगा। इसकी घिसाई हो गई है और ये स्मूथ भी हो गया है। 120 नंबर के रेगमाल जो वेलक्रो डिस्क आती है 120 नंबर की, उससे हमने इसकी घिसाई की थी और ये पूरा अभी कंप्लीट हो गई घिसाई हमारी। आप देख सकते हैं बुरादा ये है घिसाई का, वो तो क्वांटिटी के ऊपर है कि कितने आपके पास दरवाजे हैं खिड़कियां हैं, उसी के हिसाब से आप उसको उसमें समय लगेगा। जो ग्राइंडर से क्या होता है ना कि उससे जो है निशान आ जाते हैं फिगर में, ये आपको शायद दिख रहे होंगे, ये राउंड राउंड से निशान दे देता है, फिगर काट देता है इसका लकड़ी का। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ये रेगमाल लेना है 120 नंबर का या 150 नंबर का या 100 नंबर का भी ले सकते हैं, और इसको जो है घिसना है लकड़ी को। जैसा भी ये मैं घिस रहा हूँ इससे, तो इसको टीक प्लाई बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे इसमें चौक पाउडर का, और उसी से हम कलर बनाएंगे और इसका बेस बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें इसकी सफाई करने के लिए एक कोट स्प्रिट पॉलिश मारेंगे। इसको मैंने स्प्रिट में लाख दाना गला कर रखा था और इसमें मैंने हल्का सा वॉलनट स्टेन ऐड किया है, क्योंकि इसका हम नेचुरल वॉलनट कलर रखने वाले हैं पॉलिश का। तो सफाई के लिए जो है पतला पतला करके लाख दाना पॉलिश स्प्रिट में घोल के और उसका एक कोट हम इसमें एक हाथ मारेंगे, ताकि जो भी इसमें गंदगी होगी वो साफ़ हो जाएगी। ये इसकी सफाई अच्छे से हो गई है और इसमें थोड़ा सा एक कोट हमने कलर भी चढ़ा दिया है, जो क्योंकि जो पहला कोट हम लगाते हैं वो सफाई के लिए लगाते हैं, ताकि जो भी इसमें गंदगी हो वो साफ़ हो जाए, स्प्रिट से जो है अच्छे से साफ़ हो जाता है। और उसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड कर लेते हैं तो एक कोट हमारा कलर भी उसमें चढ़ जाता है, क्योंकि वॉलनट नेचुरल हो या रोज़वुड नेचुरल हो ये कलर एक बार में नहीं चढ़ते, इसमें 4, 5, 7, 8 कोट या कभी कभी 10 कोट भी लगाने पड़ते हैं, तब जाके कलर आता है। तो अभी ये सारे ही हम दरवाजों में एक एक कोट सफाई का लगाएंगे, उसके बाद फिर इसका बेस तैयार करेंगे। ये बेस हमारा तो रेडी है बनके, तैयार हो गया इसका बेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये चौक मिट्टी से कलर बना के हमने बेस बनाया है इसका, और ये पूरा मैंने इसमें रगड़ाई करके अच्छे से इसका बेस तैयार कर लिया है, क्योंकि ये नॉर्मल प्लाई थी, टीक प्लाई नहीं थी। अभी इसको मैं टीक बनाऊंगा, तो इसका चौक मिट्टी में हल्का सा येलो कलर डाल के और हल्का ट्रेकिम्बर और हिरोंजी को मिक्स करके
उसके बाद मैंने इसका बेस तैयार किया है। ये डबल पुट्टी की है मैंने इसमें, और ये बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसमें। अभी इसमें मैं स्पिरिट पॉलिश के कोट मारूंगा दो, और उसी से ये इसका जो फिगर है रेशा है वो तैयार हो जाएगा। चलिए दिखाता हूँ आपको मैं। ये बेस इसका तैयार हो गया है, और इसमें ये रेशे भी हमने बना दिए हैं फिगर जो भी टिक प्लाई का होता है। ये पूरा कलर स्प्रिट पॉलिश और लाकदाना पॉलिश से हमने सेट कर लिया है। इसका कलर इसमें अच्छा आ गया लकड़ी में। ये जो कलर का हमारा डार्कनेस है वो इतनी रखनी है, इससे ज़्यादा कलर इस पर नहीं चढ़ाना। ये वॉलनट नेचुरल कलर आ गया इसमें, और ये भी है। अभी इस पर अप्लाई करेंगे हम प्यू एक्सटीरियर सीलर एक कोट। फर्स्ट कोट सीलर का अप्लाई करेंगे हम इसमें, उसका मैं तरीका बता देता हूँ। ये हमारे पास एशियन पेंट का प्यू एक्सटीरियर सीलर, और अगर वाटरप्रूफ पॉलिश करना है तो एक्सटीरियर सीलर ही परचेज करना पड़ता है उसके लिए। और ये तो इसको हम बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। इसको फर्स्ट कोट है तो इसमें पहले थिनर मिलाएंगे हम, पतला करेंगे इसको। पहला कोट हम इस पर पतला करके अप्लाई करेंगे। ये 1 लीटर की पैकिंग में है प्यू एक्सटीरियर सीलर। इसमें 800 ग्राम बेस और 200 ग्राम हार्डनर आता है। अगर आपको लगता है कि आप पूरा यूज़ कर सकते हैं एक बार में या 1-2 घंटे के अंदर, तो आप इसको पूरा एक बार में मिक्स कर सकते हैं। 200 ml हार्डनर और 800 ml बेस है ये। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पूरा यूज़ नहीं कर सकते इसको एक बार में, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करें, क्योंकि ये सूख जाता है जल्दी और ये ख़राब हो जाएगा। फिर डब्बा खोलने के बाद, इसकी पैकिंग खोलने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और एक बड़ा सा डब्बा लेके उसमें इसको आप पलटी कर लीजिए। देख लीजिए, मैं एक बार में इसको यूज़ नहीं कर सकता पूरा, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा ही बनाऊंगा। ये मैंने बेस डाल दिया इसमें, लगभग 200 ग्राम के तकरीबन मैंने इसमें बेस डाला है, और अभी मैं इसमें मिक्स करूंगा हार्डनर। ये इसका हार्डनर है। आप हार्डनर इसमें सेलर की क्वांटिटी के हिसाब से मिक्स करें। जैसे कि मैंने इसमें 200 ग्राम के तकरीबन सेलर बेस डाला है, तो मैं हार्डनर को उसी माप के अनुसार इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि हार्डनर मैं इसमें ज़्यादा मिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसमें ज़्यादा मिक्स कर दूंगा तो जो मेरा बेस बचा हुआ है फिर उसके लिए हार्डनर कम पड़ जाएगा। और इसको पतला करने के लिए हम मिक्स करेंगे प्यू एशियन पेंट का प्यू थिनर। ये हम फर्स्ट कोट इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा पतला करके इस्तेमाल करेंगे। और इसको पतला करने के बाद दोस्तों, इस पर अच्छे से फर्स्ट कोट आपने अप्लाई कर देना है गन से, क्योंकि ये हाथ से इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा दरवाज़ा है। अगर छोटा कोई वर्क पीस होता तो उस पर हम हाथ से भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन बड़े दरवाजे में अगर इससे हाथ से अप्लाई करेंगे तो उसमें बहुत सारे स्पॉट्स दिखाई देंगे, निशान और स्क्रैचेस वगैरह उसमें नज़र आएंगे। इसलिए इसको हम गन से अप्लाई करेंगे, और गन से इसको बहुत अच्छे से हमें अप्लाई करना है।
दरवाजे के दोनों साइड से आप इसमें अप्लाई करें ताकि कहीं भी जगह बच ना जाए, क्योंकि हमारा फर्स्ट कोट है। ये इसमें दो कोट सेलर हमने स्प्रे गन से मार दिया है, दो कोट सेलर अप्लाई कर दिया है इस पर स्प्रे गन से। क्योंकि ये पीयू एक्सटीरियर सेलर है तो इसमें ग्लॉस बहुत ज़्यादा होता है, हाई ग्लॉस होता है ये। और अभी इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे 4-5 घंटे और उसके बाद फिर इसकी घिसाई करेंगे 320 नंबर के रेक वाटर प्रूफ रेक माल से पानी के साथ। ये हमारा सिलर सूख चुका है जो हमने दो कोट सिलर अप्लाई किया था कल, और इसको हमने लगभग लगभग 12-13 घंटे हो गए हैं इसको, और ये अच्छे से सूख चुका है और इसमें काफ़ी रफ भी आ गया है, जो दाने दाने टाइप के होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी इसको फिनिश करना है हमें, तो फिनिश करने के लिए हम लेंगे 320 नंबर का रेक माल। फिनिश करने के लिए हम लेंगे 320 नंबर का रेक माल, वाटर प्रूफ रेक माल, क्योंकि ये वाटर प्रूफ पॉलिश है, तो वाटर प्रूफ 320 नंबर का रेक माल लेंगे और उसको पानी के साथ इसकी रगड़ाई करेंगे। ये जो इसमें वाइट वाइट दिख रहा है, मैं इसकी दो साइड घिसाई कर चुका हूँ। एक जो ये फ्रेम जितना भी हिस्सा इसका वाइट आपको नज़र आ रहा है, उसकी मैंने इसकी रगड़ाई कर दी है वाटरप्रूफ रेक माल से पानी के साथ। ये आप देख लीजिए, जब आप इसकी रगड़ाई करेंगे तो ये वाइट वाइट हो जाता है। सूखने के बाद ये ज़्यादा वाइट दिखता है, ये अभी पाउडर सूख चुका है इसका। ये आप भी इसी तरह इसकी पानी के साथ घिसाई करें 320 नंबर के रेक माल से, या 400 नंबर का रेक माल भी आप ले सकते हैं, और इसकी अच्छे से आप रगड़ाई कर लीजिए। सूखा जो है आपको इसको नहीं रगड़ना है, क्योंकि सूखा अगर आप इसको रगड़ेंगे तो स्क्रैचेस बहुत आ जाएंगे, जो कि आप कवर नहीं कर पाएंगे और आपका जो पॉलिश है वो ख़राब हो जाएगा। और इसकी घिसाई हो चुकी है, ये आप देख लीजिए वाइट वाइट ये हो जाता है वह पानी के साथ घिसाई करने के बाद। अभी देख रहे हैं आप, ये पूरा मैंने पानी के साथ अच्छे से इसको घिस दिया है हल्के हाथ से, ताकि कलर इसका इफेक्ट ना हो। बहुत स्मूथ हो गया है, रफ इसमें जो इसकी फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आ गई। अभी देख लीजिए, अभी सूख गया है पानी इसका, तब ये पाउडर के माफिक निकल रहा है। अभी इसको क्या करना है, अभी इसकी सफाई करनी है अच्छे से, ये इसकी सफाई कर लेंगे। दोस्तों एक बात आप याद रखिए, हमेशा इसमें आपने सूखा रेक माल कभी भी नहीं लगाना है। अगर आप प्यू पॉलिश कर रहे हैं और आपने, जैसे मैंने बताया आपको, अगर सूखा रेक माल इसमें आप लगाते हैं तो इसमें इतने स्क्रैच आ जाएंगे कि आप उनको कवर नहीं कर पाओगे, कवर करने मुश्किल हो जाते हैं सूखे रेक माल से स्क्रैचेस। तो इसलिए रेक माल पानी के साथ ही लगाना है, क्योंकि ये बहुत हार्ड आइटम होता है और ये पानी से ही इसकी कटाई अच्छी होती है। देखिए मैं आपको सफाई करके दिखाता हूँ इसकी पूरी कैसे दिखता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने सफाई इसकी कर दी है और बहुत अच्छे से सफाई मैंने की है इसकी। और आप भी याद रखें कि आपको जब भी रेक माल लगाने के बाद आप इसकी सफाई करें तो बहुत अच्छे से सफाई करें। जो भी इसका पाउडर है सेलर का, वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसमें, कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। और क्योंकि ऐसा है, ये कटाई करने के बाद में इसमें फाइनल कोट अप्लाई होता है, टॉप कोट अप्लाई होता है, तो उसके लिए जो है सफाई बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। आप एक बार सूखे कपड़े से रगड़ दें, फिर उसके बाद हल्का कपड़ा गीला करके वो उसके बाद फिर साफ़ करें, 2-3 बार इसको साफ़ करें, ताकि कोई भी इसमें पाउडर वगैरह कुछ नहीं रहना चाहिए। ये देख लीजिए आप, बहुत अच्छे से मैंने सफाई कर दी है इसकी। और दोस्तों अभी मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ टॉप कोट पीयू ग्लॉसी का। देखिए, और एक चीज़ और आप याद रखें कि अगर जब भी आप पीयू ग्लॉसी का कोट मारें तो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ धूप में ना मारें, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप में ना पॉलिश ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आप उसको जो है
थोड़ा छांव में रख के ही मारें, ठंड में रख के मारें, ताकि जो है वो ठीक से अपना कवर हो सके। और कोशिश करें कि जब भी आप टॉप कोट लगाएं तो जो भी अपना वर्क पीस है वो डाउन पोजीशन में हो, पट रखा हो, जैसे मैंने ये रखा हुआ है दरवाज़ा भी आपके सामने, इसी तरह से आप रख के टॉप कोट अप्लाई करें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, टॉप कोट है हमारे पास एशियन पेंट का एक्सटीरियर ग्लोसी, ये है एशियन पेंट्स का पीओ एक्सटीरियर ग्लोसी, और सेम इसका भी वही सेलर की तरह है, 800 ग्राम बेस है और 200 ग्राम हार्डनर है। जब भी आप एक्सटीरियर के लिए पॉलिश परचेज करें तो आप इस पर ये ज़रूर देख लीजिए, पीओ एक्सटीरियर ग्लोसी एक्सटीरियर। अगर ये इंटीरियर के लिए होगा तो इस पर IN लिखा होगा, फॉर इंटीरियर या फॉर एक्सटीरियर। तो ये आप देख लीजिए, ये भी 1 लीटर की पैकिंग में है, 800 ग्राम इसका बेस आता है और 200 ग्राम हार्डनर। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करूँगा, पूरा एक बार में मुझे अभी यूज़ नहीं करना है इसको। इसको मिक्स करने का तरीका सेम है सेलर का भी और ग्लोसी का भी, जैसे हमने सेलर को मिक्स किया था वैसे ही हम इसको भी मिक्स करेंगे, और आप भी कर सकते हैं। ये हमने इस पर टॉप कोट अप्लाई कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था एशियन पेंट का एक्सटीरियर ग्लोसी। और गाइस आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है। बहुत ज़बरदस्त पॉलिश हुआ है दोस्तों, और ये फाइनल हो चुका है हमारा डोर। अभी इसके ऊपर रपिंग और वॉशिंग वगैरह हम कर सकते हैं, और ये विंडो के जो पल्ले हैं ये रखे हुए हैं अंदर गोदाम में, तो ये वेंटिलेटर है। अभी मैं सारे जब इसको रेडी कर दूंगा तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों जो मैंने प्रोसेस इसमें अपनाया है वो आप भी अपना सकते हैं, और पी पॉलिश इसी तरह से आप कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है दोस्तों, वाटरप्रूफ है और धूप से भी ख़राब नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें। दरअसल हमने इसमें एपॉक्सी का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आप इसमें एपॉक्सी इस्तेमाल करेंगे बेस बनाने के लिए तो इसमें और भी अच्छा होगा, क्योंकि वो लकड़ी को सील कर देता है और उससे जो है कोई भी जो लकड़ी का तेल वगैरह ऑयल वगैरह है वो बाहर नहीं आता है, और उससे जो भी आप फिलिंग भी करते हैं तो फिलिंग भी बहुत मजबूत हो जाती है। रबिंग करने के लिए इसमें 1000 नंबर का रेगमाल लेंगे हम, उससे इसकी पानी के साथ घिसाई करेंगे हल्की हल्की, या 1500 नंबर या 2000 नंबर का रेगमाल भी ले सकते हैं अगर इसमें बबल्स कम है तो, और उसके बाद में फिर इसमें रबिंग कंपाउंड को लगा के और वूल पैड ग्राइंडर में लगा के उससे इसकी ग्राइंडिंग होगी, तब जाके ये और भी सुंदर दिखेगा। और गाइज एक चीज़ आप अच्छे से याद रखें कि जब भी आप टॉप कोट लगाएं तो आसपास की जो गंदगी है उसको अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि अगर गंदगी इसमें जमेगी तो ये ख़राब हो सकता है। ये सारे दरवाजे तैयार करने के बाद फिर इसको कवर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये प्लाई भी आप देख लीजिए, प्लाई का कलर भी है, मैंने इसको विनियर टिक प्लाई में कन्वर्ट कर दिया है, ये पूरी अभी टिक प्लाई लग रही है मुझे, देख लीजिए बहुत अच्छी फिनिशिंग है गाइस। ये हमारे सारे ही खिड़की दरवाजे पॉलिश हो चुके हैं, और आप इसकी फिनिशिंग भी देख लीजिए। और गाइस ये वाटरप्रूफ पॉलिश है और ये वाकई बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे वेंटिलेटर, ये भी वेंटिलेटर है, और ये हमारे दरवाजे, ये विंडो के पल्ले हैं, इसका पेपर एक साइड से मैंने रिमूव कर दिया है, दूसरी साइड में भी पेपर लगा हुआ है क्योंकि उसमें मैंने नंबर लिखे हुए हैं कि ये कौन सा पल्ला कहाँ का था, और दूसरी साइड का जो पेपर है वो उसको फिटिंग करने के बाद रिमूव करेंगे हम। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल मॉड्यूलर वुडवर्किंग एंड फैब्रिकेशन को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज और गूगल बिजनेस प्रोफाइल रॉयल इंटीरियर वुडवर्किंग एंड फैब्रिकेशन पर जाकर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं।